एमबी ट्रेनर, मैं हूं सौरभ ठाकुर और आज के हमारे एप्टीट्यूड सीरीज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हो सकता है आप लोगों ने सारे के सारे वीडियोस देखे होंगे, जो बच्चे इस चैनल के एविड फॉलोअर हैं आप सभी लोगों के मैसेज हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग इस मैसेज हम लोग कॉमेंट बॉक्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो आप लोग फेसबुक में मैसेंजर में उनको मैसेज भेजते हैं वो भी पढ़ते हैं। तो आप लोगों को वीडियोज अच्छे लग रहे हैं उसके लिए बढ़िया है, आप लोगों को इससे प्रिपरेशन बूस्ट मिल रही है, बहुत ही बढ़िया है। जो बच्चे हमको शायद पहले वीडियो सारे वीडियोस ना देखे हो, या हो सकता है आप में से ज़्यादातर बच्चे मुझे पहली बार देख रहे होंगे, इन सीरीज जो हम ये सीरीज बना रहे हैं, सीरीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे के सारे बच्चे 2018-2019 में इंडिया के कोई भी MBA का एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो कैट, IIMO, ZAT, IFT, MAT, CMAT, NMAT, SNAP ये हो, या फिर इसके अलावा और जो भी MBA एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, इसके अलावा जितने भी जॉब रिलेटेड एग्जाम्स हैं, जिसमें भी एप्टीट्यूड आता है, चाहे वो बैंक हो, FCAT हो, SSC हो, बैंक, चाहे वो प्रोविजनरी ऑफिसर का पोस्ट हो, क्लरिकल हो, कैंपस का एग्जाम हो, रेलवेज का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इसके अलावा इनफैक्ट GRE एंड GMAT एज वेल, इन सारे के सारे एग्जाम्स में आपको आपको बूस्ट मिलना चाहिए, आपके प्रिपरेशन को एक बढ़िया इम्पेटस मिले। इन सेशंस में जब हम लोग कवर करेंगे वो है क्वांट, DI, LR, वर्बल और इसके अलावा करंट अफेयर्स। मैं एग्जैक्टली पूरी क्लास तो कवर नहीं कर सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्लास में हमारे पास बहुत टाइम होता है, इसमें एक लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम है, लेकिन मैं और मेरी छोटी सी टीम है हम अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना हम अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं। आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, क्या कमी है, कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं हम आपसे डिस्कस करें, हम बिल्कुल उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फाइन, चलिए आज का सेशन स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आप ये सेशन आज के YouTube में देख रहे होंगे, हो सकता है आप लोग Facebook में देख रहे होंगे, आप Instagram में देख रहे होंगे। देखिएगा, जो बच्चे Facebook में देख रहे होंगे या फिर YouTube में देख रहे होंगे, इस वीडियो के ठीक नीचे सारे के सारे वीडियोस के लिंक दी हुई है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी जा सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं। आज का हमारा जो एप्टीट्यूड सीरीज का एजेंडा है वो DILR DS में से मैंने DS रखा है। क्वेश्चन को मैंने कंप्रेस करके लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो Facebook पेज MBA ट्रेनर या सौरभ ठाकुर में जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है। सम ऐड करना, सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखा है 45। तो यहाँ पे सम दिया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इनका सम है 45। देखिए, आप में से वो बच्चे जो DS की क्लास मुझसे पहले पढ़े हुए हैं उन बच्चों को याद होगा, तो मैंने इस चीज को, मतलब क्वेश्चन के स्टेम को, मैं हमेशा से काफी इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, अग्री करते हैं। तो कभी भी DS को बनाएं, सबसे पहले क्वेश्चन स्टेम को देखें। ये मैंने आपको हर बार कहा है कि एक बार आप क्वेश्चन स्टेम को देखें, क्वेश्चन स्टेम को देखें, मतलब आपसे पूछा क्या गया है। यहां पे बोला गया सम ऑफ एन कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो यहां तो पहले काफी बढ़िया बात की गई है। सबसे पहले आपको बोला गया कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव मतलब कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव, और दूसरा इंटीजर। कॉन्सिक्यूटिव मतलब जैसे कि 1, 2, 3, 4 या 2, 3, 4, 5 से, इस तरह से। इनका सम हमको गिवन है 45। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद हमको बोला गया फाइंड द वैल्यू। आपको ध्यान होगा प्रीवियस क्लासेस और उसके पहले की क्लासेस में DS का मतलब, जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके जरा बता दे DS का मतलब। बिल्कुल सही बात है, DS का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अब वो यूनिक सॉल्यूशन आपको क्या चाहिए, मैंने हमेशा बोला एक बार वो चेक कीजिए, मतलब आपको वैल्यू चाहिए या यस नो से आपका काम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तो समझ में आ रहा है कि यस नो से काम नहीं चलेगा भाई, इस क्वेश्चन में हमको वैल्यू चाहिए, पूछा ही गया वैल्यू। वैल्यू का मतलब एक नंबर है, तो हमें चाहिए वैल्यू। वैल्यू का मतलब वी आर लुकिंग फॉर अ नंबर, नंबर कैसे, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रोसेस फ्लो है, हमको ये समझ में आ गया। हमको बोला कि एन इवन है, वो तो हम चलते हैं पहले इस क्वेश्चन को और डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन को हम इससे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं क्या वो देखते हैं। देखिए, हमको बोला गया कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। अब सरल शब्दों में पहले सुनिए, मान लीजिए नंबर ऑफ जो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है, मान लीजिए 2 है। चलिए, तो पहला हो गया टर्म एक्स, दूसरा हो गया एक्स प्लस 1, ये आ गया 45, तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 44, एक्स हो गया 22। इसका मतलब ये रहा 22 और दूसरा टर्म हो गया 23। आप 22 प्लस 23 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो बिल्कुल आपका सम आ जाएगा 45। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कब, जब मैंने नंबर ऑफ टर्म्स लिए 2, अग्री करते हैं आप। सिमिलरली अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स लेता हूं 3, तो ये रहा फर्स्ट टर्म x, दूसरा टर्म क्या आएगा जी, x प्लस 1, शाबाश। तीसरा टर्म क्या आ जाएगा, x प्लस 2, और ये हो गया 45। तो आप भी समझ गए होंगे 3x इज इक्वल्स टू 42, x इज इक्वल्स टू 14। तो ये तीन टर्म्स कौन कौन से हो गए हमारे, आप ही बता दीजिए। ये हो गया 14, 15, 16, अग्री करते हैं आप। ये कब आया, जब नंबर ऑफ टर्म्स मैंने लिया 3। चलिए आगे चलते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स मैं इसकी जगह लेता हूँ 4,
अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ी परेशानी होगी, x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 45, राइट? तो 4x इज इक्वल्स टू क्या? देखिए, तीन दो पाँच और एक छः, 45 माइनस छः हो गया 39, बट ये तो परफेक्ट एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी ना इस केस में, मतलब n इज इक्वल्स टू 4 में हमारा कोई आंसर नहीं आएगा, ना आए कुछ नहीं होता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अग्री करते हैं अब इस बात को। अब इसके बाद आप देखिए, इसके बाद अगर मैं n की वैल्यू ले लेता हूँ 5, मतलब पांच टर्म्स, x, x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, x प्लस फाइव, राइट? तो ये हो गया x, x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, x प्लस फोर, ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और ये सब हमको बोला गया है 45, अग्री करते हैं आप? तो कुल मिला के आप भी समझ गए होंगे, ये हो गया 5x, और ये हो गया 4, 3, 7, 2, 9 और एक 10, 10 हो गया, तो ये हो गया 45, तो आपकी 5x की वैल्यू हो गई 35, तो x हो गया 7, करेक्ट है? क्या क्या लिखूं आंसर में? 7, 8, 9, 10, 11, बिल्कुल बढ़िया आंसर है। चलिए नंबर ऑफ टर्म्स और देख लें एक बार, नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं ले लेता हूँ 6, अब आपको ऐसे समझ में आ गया होगा, x प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, थोड़ा डिटेल में देखते हैं बढ़िया से, इसको कंप्रेस कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, x प्लस फोर प्लस एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू 45, अग्री करते हैं आप? x कितने बार आ गया? 6 टाइम्स आया, ये लिखा मैंने 6x प्लस 5, 4, 3, 2, 1, अरे 15 ही होगा और तो क्या ही हो जाएगा, तो ये मैंने लिखा 15 इज इक्वल्स टू 45, तो 6x इज इक्वल्स टू 30, x हो गया 5, मतलब 6 टर्म्स ले लो स्टार्टिंग फ्रॉम 5, कौन कौन से टर्म्स हुए? 5, 6, 7, 8, 9, 6, 8, 9, 10, राइट? हमारे कितने टर्म्स हो गए? एक और टर्म आ गया 11, ये टर्म्स आ गए। चलिए इतना पर्याप्त, एक बार आप देखें तो क्या पूछा गया हमसे, सबसे पहला स्टेटमेंट अगर आपको ध्यान होगा तो पहला स्टेटमेंट था n की वैल्यू निकालनी थी, और पहला स्टेटमेंट था n है इवन, लेकिन आप जरा नोटिस करो, n इवन, यहां पे n इक्वल टू 2, यहां पर भी आंसर आ रहा है सम 45, मतलब n की वैल्यू मैं 22 भी ले सकता हूं, यहां पे x की वैल्यू 22 है ना, जब n इवन है तो मैं यहां पर भी निकाल सकता हूं, जब n की वैल्यू मैंने लिया 4, यार यहां पर तो गड़बड़ हो गया, तो n इवन और आगे जाके और आगे भी ले सकते हैं, n मैंने तो अभी 6 पे रुक गया मैं, अच्छा भाई 4 पे नहीं, सॉरी 6 पे, 4 पे तो हमारा सोल्यूशन नहीं आ रहा था, 2 पे, और आप 6 पे देखो ये रहा 6, तो 2 पे भी अपना आंसर आ रहा है और 6 पे भी अपना आंसर आ रहा है, तो यूनिक आंसर आ रहा है क्या? वैसे 6 पे रुकने की जरूरत नहीं, 6 के 7, 8, 9, 10 और आगे तक जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है, हमेशा ना इसकी सेंटिटी हो, सेंटिटी मतलब यहाँ पे ना यूनिकनेस को भंग करने की कोशिश करें, दो आंसर आए यूनिक नहीं रहा हटाओ, रिजेक्ट कर दो, तो यहाँ पे आप देखो n इक्वल टू 2 पे भी एक आपका आंसर आ रहा है, 6 पे भी आ रहा है, तो n इवन, इस पे दो आंसर चॉइसेस आ गए आपके, क्या ये सफिशिएंट आंसर चॉइस स्टेटमेंट नंबर 1? नो, इट इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू देने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो अगर सफिशिएंट नहीं है तो हमारा आंसर या तो होगा बी, या तो होगा सी, या तो होगा ई, अग्री करते हैं। चलिए सेकंड पे, सेकंड स्टेटमेंट अगर आपको ध्यान होगा तो सेकंड स्टेटमेंट था n की वैल्यू लेस देन 9, ये लेस देन 9 ही तो है यार, n की वैल्यू 2 पे भी आंसर आया, 3 पे आया, हालांकि 4 पे आंसर नहीं आया, ना आया कोई दिक्कत नहीं, 5 पे आंसर आ गया था हमारा, 5 के अलावा 6 पे आंसर आ गया था, बहुत सारे आंसर आ गए यार, यूनिक तो नहीं है आंसर, इससे भी नहीं आएगा, दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट, अगर सेकेंड स्टेटमेंट सफिशियंट नहीं है तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट अकेले सफिशियंट नहीं है, तो बी आंसर चॉइस नहीं हो सकता, तो या तो सी या तो ई, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके देखें क्या क्या था, कंबाइन करेंगे तो n हमसे बोला गया इवन, सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया n लेस देन 9, अग्री करते हैं, लेकिन आप एक बात आइए, लेस देन 9 में ही तो दो इवन केसेस आ चुके हैं ऑलरेडी, 2 भी आ चुका है, हालांकि 4 में आंसर चॉइसेस नहीं थे, बट 6 भी आ चुका है, और आगे जाके देखेंगे हो सकता है 8 अगर भी आ रहा हो, लेकिन इतना इट्स गुड इनफ टू गिव द आंसर, यहाँ पे यूनिक आंसर गया हमारा, तो हमारे पास सी और ई हम इसको कंबाइन किए तो भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज ई, अग्री करते हैं आप? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का डिस्कशन, तो डीएस का ये मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, जिसमें आपको कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का सम पूछा गया था। अभी बैक टू बैक मैंने काफी सारे डीएस के वीडियोस बनाए थे, मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, जिन बच्चों का स्पेशली क्वांट अच्छा नहीं होगा, क्वांट और डीएस पैरेलल में बनाइएगा, दोनों एक दूसरे के फिलर्स हैं, आपका क्वांट डीएस से और डीएस क्वांट से अपने आप अच्छा होता चला जाएगा, और मैं पर्सनल लेवल पर डीएस बहुत रेकमेंड करता हूँ,
और स्पेशली इस तरह के ट्रैप क्वेश्चंस मैं बहुत रेकमेंड करता हूँ बनाने के लिए, फाइन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं और मेरी टीम आप लोग सारे कमेंट्स पढ़ते हैं कि आपको बच्चों को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। देखिए, सब कुछ अच्छा ही कर देंगे तो भगवान ही हो जाएंगे, तो वैसा तो पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्यूटिज्म इज नॉट पॉसिबल। तो जो भी दिक्कत है, हो सकता है शायद हम बहुत अच्छा नहीं किए होंगे, जैसा भी किए होंगे, लेकिन हम ईमानदारी से अपनी तरफ से एफर्ट आपके लिए दे रहे हैं। द ओनली ऑब्जेक्टिव इज, आप जिस भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर एप्टीट्यूड आता है तो आपकी प्रिपरेशन को डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ। बस मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा। आने वाले फ्यूचर वाले सीरीज में हम लोग वर्बल भी देखेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे तैयार करना है, वोकैबुलरी, स्पेशली वोकैबुलरी। वैसे अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जाके देखेंगे, तो रैपिड फायर वोकैबुलरी के नाम से मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पहले पोस्ट किए हुए हैं, उसमें मैं शायद फिजिकली नहीं दिख रहा हूँ लेकिन वर्ड्स आपको दिखेंगे। चुटकी में चिपका है, जिफी में चिपका है, चिटिया कलाइयाँ इमैक्युलेट कलाइयाँ, प्रिस्टीन इम्पेकेबल, सात खून माफ, सात खून एब्जॉल्व, एब्जॉल्व एक्वेट एन्यूल एक्सकल्पेट विंडिकेट, इस तरह के वर्ड्स। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो प्यूरिल है जी, प्यूरिल नाइव नेफ टायरो कैलो अप्रेंटिस, शोर इन द सिटी, शोर को आप क्या लिख सकते हो, फ्रकास कैकोफोनी डेन कोमोशन, ये स्नैपमेंट 2007 में पूछा क्वेश्चन था ऑड वन आउट में, तो ये हम लोग देखेंगे रैपिड फायर में। मीन वाइल आप चाहें तो आप यूट्यूब में और जाके वीडियोस देख सकते हैं, हम लोगों ने ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा वीडियोस पोस्ट कर रखे हैं इन सभी चीज़ों के, डीएस क्वांट वर्बल करंट सीडीएस कंटेंट डेवलपमेंट सेशन के। तो आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ, बाय बाय एवरीबॉडी।